पार्टी के सदर डॉक्टर परवेज मियां हूं, और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि जब जब हिंदुस्तान के ऊपर गुलामी की बादल छाए हुए थे तो यही उलमाए दीन थे, यही मिल्लत के लोग थे जिन्होंने आगे बढ़कर हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो हिंदुस्तान की तवारीख के पन्ने फाड़ दीजिए, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जब हिंदुस्तान गुलाम था तो अलीगढ़ से लेकर लाहौर की हर पेड़ की टहनी पे उलमाए दीन का सर कलम करके लटका दिया था, फिर भी ये पीछे नहीं हटे, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। आज जब हमारे पड़ोसी मुल्कों में हमारे लोगों के साथ, चाहे वो हिंदू हों, दलित हों, सिख हों, मुसलमान हों, जुल्म हो रहा है, तो हमारे हिंदुस्तान का ये भी इतिहास गवाह है कि हमारे और जो प्रधानमंत्री रहे हों उन्होंने वहाँ जाकर उनके लिए आवाज़ उठाई है। मैं मोदी साहब से आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि आप जब बर्मा गए थे तो वहाँ पर जाकर आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जुल्म बंद करो, ये इंसानियत का जुल्म है, इंसानियत के ऊपर जुल्म है, इंसानियत के साथ हैवानियत वाला नंगा नाच मत नचाओ। और इसीलिए आज हमारी ये मिली जमीयतें, जितनी भी जमाते उलमाए हिंद, जमाते आल इंडिया मिली काउंसिल हो, जमाते हमारे आलिमों की जमात हो, ये इसीलिए यहाँ जमा हुए जंतर मंतर पर कि ये आवाज़ उठाएं और उन सोए हुए लोगों को जगाएं जिनके बिल्कुल कान पर जूं नहीं रेंग रही, और वो ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा खून खराबा, इतना बड़ा बहन बेटियों के साथ अत्याचार, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया की तवारीख में इतना बड़ा जुल्म जैसे बर्मा में हो रहा है आज तक नहीं हुआ। इसी जुल्म को रोकने के लिए, जुल्म को मिटाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आपका नाम क्या है, आप क्या कहेंगे? अशफाक हुसैन कादरी, चेयरमैन ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम। हमारा आज यहाँ जमा होने का जो मकसद है वो ये है कि हिंदुस्तान चूँकि आलमी लीडर बनने का ख्वाब देखता आया है और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क आलमी लीडर बने, तो आलमी लीडर तभी बनेगा जब आदमी जालिम के साथ खड़ा ना हो बल्कि मजलूम के साथ खड़ा हो। हमारे मुल्क की तारीख ये भी रही है कि यहाँ पर जिसको बुलाया गया, इज़्ज़त के साथ रखा गया, मेहमान नवाज देश है। आज रोहिंग्या के लोगों को, वो बुद्धिस्ट हों, दलित हों, या नॉन मुस्लिम या मुस्लिम, जो हिंदुस्तान में रिफ्यूजी या शरणार्थी या जिस हैसियत से भी रह रहे हैं, आज बात हो रही है उनको हटा दिया जाए, चूँकि इंडिया की सिक्योरिटी ख़तरे में है उनकी वजह से। जी, उनको टेररिस्ट का बोला जा रहा था, आपको क्या लगता है कि वो टेररिस्ट हैं? मुझे हैरत यह है कि यहाँ की खुफिया एजेंसियाँ और यहाँ की हुकूमत अंधी और बहरी हो चुकी है। वो जिनके घर लुट गए, जिनके बच्चे बर्बाद हो गए, जो ख़ुद अपना वतन छोड़ के आए हैं, वो क्या किसी के साथ कुछ करेंगे? वो तो ख़ुद मजलूम हैं, उनको उनकी दिलजोई करनी चाहिए और उन्हें उस वक्त तक हिंदुस्तानी हुकूमत इज़्ज़त के साथ रखे जब तक कि उनके अपने वतन के हालात सही नहीं हो जाते हैं। पर मोदी सरकार तो अब उन्हें वापस भेजने की बात कर रही है। फिर मोदी सरकार वापस भेजने की बात कर रही है तो अब क्या है, मौत के बाज़ार में अगर मौत के सौदागरों के आगे हुकूमत हमारी झुक गई है तो हम सिवाय ये इसके और क्या कह सकते हैं कि शर्म करो, इंसाफ का एक दिन है, वो अल्लाह को इंसाफ कर देगा। आप अपने ज़ियाउल हक नाम हुआ हमारा, मेरा सिर्फ एक कहना है कि वहाँ जो मीडिया दिखला रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ कत्ल हो रहा है, मुसलमानों को जो फेसबुक और ट्विटर पर आ रहा है, तो ये मुसलमान का नहीं कत्ल हो रहा, वहाँ हिंदू भी हैं और भी छोटे मोटे जो धर्म के लोग हैं। यहाँ पर कहने का मतलब कि ये कत्लेआम जो इंसानियत का हो रहा है, इंसानियत का वहाँ पर कत्ल हो रहा है, और ये सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि कम से कम इंसान होने के नाते वहाँ की इंसानियत को बचाइए, कम से कम आप आवाज़ बुलंद कीजिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और जो ये टेररिस्ट का मामला बताया जा रहा है, जिसके पास खाने को नहीं है, जो खुद मजबूर है, वो कहाँ से कुछ कर सकता है? आप खुद अंदाज़ा लगाइए उनके पास। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह सोशल मीडिया पर तस्वीरें तैर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें टेररिस्ट बताया जा रहा है, दिल दहला जाती है। उस तस्वीर को आप देखेगा तो आपका दिल दहल जाएगा। और सरकार अब हर चीज़ का पॉलिटिकल पहलू सोचती है, अब वो सोचती है कि अगर बर्मा का जो मामला है वहाँ ज़्यादातर मुसलमान हैं तो हम कहें नहीं मुस्लिम इश्यूज़ बना लें, तो ये आपका ज़मीर ख़त्म हो चुका है जब से 2014 के बाद से सियासत ही बदल चुकी है। बिल्कुल, इसमें एक और चीज़ किया जा रहा है कि इसको बौद्ध वर्सेस मुस्लिम से जोड़ के इशू को बनाया जा रहा है। हाँ, ये बात ये हाँ ये पूरे दुनिया में ये सिस्टम चल गया। आप सीरिया में देख लीजिए, वहाँ भी यही आलम है, हिंदुस्तान में देखिए वहाँ भी यही आलम। आप कुल मिला के ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं हिंदुस्तान में भी हिंदू मुसलमान का, कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक के एंगल से आप देखते हैं कि इसको राजनीति जिसके पीछे करके फ़ायदा उठाना है। हाँ, एकदम पॉलिटिकल फ़ायदा ही सोचते हैं ये लोग, और कुछ इसके आगे कोई मकसद नहीं है। और क्या बताया जाए, छोटी छोटी चीज़ है ये, कम से कम इसके लिए सरकार को ध्यान देनी चाहिए। अब जो हिंदुस्तान में रिफ्यूजीज़ रह रहे हैं, रिफ्यूजी एक्ट पर उनका इन्होंने दस्तखत नहीं किया है, मुझे मालूम है यूएनओ में इन्होंने दस्तखत नहीं किया रिफ्यूजी के मामले में, मगर जो अभी जो पिछले वक्ता जो ये मिली काउंसिल में बोल रहे थे,
वो कह रहे थे कि भाई जब हिंदू रह सकते हैं और धर्म के लोग रह सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम तो रोहिंग्या मुसलमान को रहने वो तो अभी बेचारे मजबूर हैं उनकी हालत सिंधी हिंदू तो आखिर रह रहे हैं जो पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके आए हैं वो जो शरणार्थी यहाँ पर हैं वो रह रहे हैं बस इनको मुसलमान को लेकर के मानना है ये मोदी सरकार या फिर कह लीजिए कि एक मुसलमान का एक वो लग गया है टैग तो ये इस तरह का नहीं ये टैग की बात नहीं है मुस्लिम टैग की बात नहीं एक एक तरह की एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि इंसान की नज़र से नहीं देखा जा रहा ना ना माहौल क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इसे मुसलमान की नज़र से देख रही है तब इनको वापस भेजने का बात कर नहीं देखिए ये वापस भेजेंगे भी नहीं इसकी तो हम जानते हैं कि ये वापस नहीं भेजेंगे मगर जो हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ी आबादी है जो जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर है मैं सबको यही बात बोलता हूँ अब कल भी मैंने बोला और कि भाई कम से कम सोशल नेटवर्किंग साइट पर जो आप इसका यूज़ कर रहे हैं उस पर आप ख्याल कीजिए कि आप वही बात लिखिए जो इंसानियत की बात हो चाहे हिंदू लिखे या मुसलमान लिखे बात इंसानियत की हो इंसानियत की बात लिखिए आप ये अब ये कहिए कि धर्म के नाम पर हम तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं अब उससे कुछ होना जाना नहीं है आज हिंदुस्तान में यह हालत है कि हिंदुस्तान में जितना बड़ा इसका दिल है अभी मियाँ साहब ने कहा कि बहुत बड़ा दिल है यहाँ का तो समझिए कि ये सही मानों में इसका दिल बड़ा है ये सबको रखता है हम जानते हैं कि मोदी साहब भी इसको रखेंगे मगर कुछ लोग हैं जो उसके साथ तुष्टिकरण कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर राजनीति कर रहे हैं हम जानते हैं कि सरकार की भावना ये नहीं होगी मगर एक पॉलिटिकल माहौल बनाना है चुनाव हर साल यहाँ चुनाव किसी ना किसी राज्य में है गुजरात में चुनाव में चुनाव है तो ये सब चीज़ को देखते हुए ये काम कर रहे हैं तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है गुजरात चुनाव को या कह लीजिए और अदर स्टेट में जो चुनाव होने वाले उसको देख करके आपको लगता है ये फैसला कहीं ना कहीं हिंदुत्व को मतलब जगाने बस के बस लिए यही हिंदुत्व को जगाने जगाए रखने के लिए जगाए रखने के लिए पूछे नहीं कि जैसे सुलह हो जाता है तो सुलह नहीं हो एकदम बना रहे वो माहौल तब ये सब चीज़ के लिए ये काम कर रहे हैं यहाँ जैसा आपने सुना ये कह रहे थे कि हिंदुत्व का मुद्दा जो है वो हमेशा गरमाया रहे वो बिल्कुल बना रहे और इसीलिए जो है सरकार जो है मोदी सरकार जो है रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की बात कर रही है हालांकि इनका मानना है कि मोदी सरकार जो इन्हें वापस नहीं भेजेगी बल्कि सिर्फ एक राजनीति के हिसाब से आगे कई सारे राज्यों में चुनाव उसको देखते हुए हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए ऐसा कर रही है जंतर मंतर से मैं सैयद शाह